कोरोना संकट के बीच मजदूरों की मदद पर यूपी में योगी सरकार और प्रियंका गांधी के बीच छिड़ा घमासान। सीएम योगी ने कल मंजूर की थी प्रियंका गांधी की 1000 बसों की मदद की पेशकश। मजदूरों के लिए बस पर प्रियंका का बयान, शाम 5 बजे तक सरकार के पास पहुंचेगा बेड़ा। सीएम योगी के सलाहकार मृत्युंजय कुमार का दावा, प्रियंका गांधी के बसों की सूची में बाइक, कार और थ्री व्हीलर का भी नंबर शामिल। सिद्धार्थनाथ सिंह ने इसे फर्जीवाड़ा बताया, सोनिया से मांगा जवाब। दिल्ली की सड़कों पर जमकर दिखा ट्रैफिक, लेकिन डीटीसी बसें रही कम। दिल्ली में खुलेआम लॉकडाउन 4 के नियमों की अनदेखी, ई रिक्शा में दिखी एक की जगह चार चार सवारियां। लॉकडाउन 4 में शर्तों के साथ शुरू हुआ कारोबार, लक्ष्मी नगर में आज से खुली तमाम दुकानें। बसों के नियमों का पालन, सिर्फ 20 सवारियों को दी गई है इजाजत, सभी मास्क पहने आए नजर, कंडक्टर ने पहनी फेस शील्ड। दिल्ली नोएडा में डीएनडी को लेकर लोगों में जबरदस्त कंफ्यूजन, डीएम नोएडा ने कहा डीएनडी पर अभी पहले जैसी स्थिति होगी, पास वालों को ही मिलेगी एंट्री। हुर्रियत नेता के बेटे समेत 2 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने किया ढेर, एक जवान शहीद। सोमवार देर रात सुरक्षा बलों ने श्रीनगर के नवगडल इलाके में 2 आतंकियों को घेर लिया था। घिरे आतंकियों में से एक जुनैद सहराई था, जो तहरीक ए हुर्रियत के चेयरपर्सन अशरफ सहराई का बेटा है। दोनों को मंगलवार दोपहर मार गिराया गया, हालांकि एनकाउंटर में एक जवान शहीद और 4 घायल भी हुए। भारत के पक्ष में आंकड़े, 1 लाख की आबादी पर दुनिया से बेहतर औसत। भारत में 1 लाख की आबादी पर कोरोना संक्रमितों का औसत 7.1, 1 लाख की आबादी में 7 लोग कोरोना की चपेट में। दुनिया का औसत देखा जाए तो 1 लाख की आबादी पर 60 कोरोना मरीज, भारत का औसत दुनिया के बाकी देशों से कहीं बेहतर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने खुद दी इस बात की जानकारी। ऋषि कपूर की याद में नीतू ने शेयर की फैमिली फोटो, हुई इमोशनल। नीतू कपूर ने सोशल मीडिया पर ऋषि कपूर संग तस्वीरें शेयर की, फोटो के साथ कैप्शन में लिखा, कैसे मैं ये मन्नत मांगू कि ये तस्वीर इसी तरह हमेशा संपूर्ण रहे। इससे पहले ऋषि कपूर की एक जॉयफुल फोटो शेयर की थी और कैप्शन में लिखा था, हमारी कहानी का अंत हो गया।